दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कंफर्म सीट ख़त्म होने के बाद में ट्रेन में वेटिंग टिकट मिलना शुरू हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ वेटिंग टिकट कितने तरह का होता है और उसके कंफर्म होने के जो चांसेस होते हैं वो कितने होते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो सामान्य रूप से चार तरह की वेटिंग टिकट होती है, GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट, RLWL रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, PQWL पूल कोटा वेटिंग लिस्ट और TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे GNWL की। जनरल वेटिंग लिस्ट, जैसे ही सारी सीटें भर जाती हैं उसके बाद में आपको ये वेटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें आपको टिकट मिलना शुरू हो जाता है। अब अगर आप किसी भी स्टेशन से अपना टिकट बुक करते हैं और ऐसे में अगर आपको GNWL लिख करके आ रहा है, तो ऐसे में अगर लगभग 10 से 20 की वेटिंग अगर आपको मिल रही है तो ये टिकट आपका कन्फर्म हो सकता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे RLWL का, यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, जिसका मतलब होता है ट्रेन के सोर्स स्टेशन यानी कि ट्रेन जहाँ से चलती है और डेस्टिनेशन स्टेशन यानी कि ट्रेन का जो भी लास्ट स्टेशन होता है। अब अगर आप सोर्स स्टेशन से किसी भी बीच में पड़ने वाले स्टेशन का टिकट ले रहे हैं या फिर बीच में पड़ने वाले किसी स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक का आप टिकट लेते हैं, ऐसे में वेटिंग लिस्ट होने की स्थिति में आपको जो टिकट जारी होगा वो RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट में जारी होगा और इस टिकट के जो कंफर्म के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे PQWL की, यानी कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट की। इसका मतलब होता है जब किसी लंबी दूरी की ट्रेन में बीच में पड़ने वाले किन्हीं दो स्टेशंस के बीच में जब आप यात्रा करते हैं और वेटिंग लिस्ट होने की स्थिति में जब आप टिकट बुक करते हैं, उस समय जो आपको टिकट जारी होता है वो PQWL यानी कि पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट में जारी होता है और इस टिकट के भी कंफर्म होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। लास्ट आपका आता है TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, तत्काल टिकट बुकिंग के बारे में इसमें कुछ सीटें जो होती हैं वो तत्काल कोटे में रिजर्व रखी जाती हैं और तत्काल बुकिंग खुलने पर उनको बुक किया जाता है। जैसे ही ये सारी तत्काल की सीट्स बुक हो जाती हैं उसके बाद आपको TQWL यानी कि तत्काल कोटा का जो वेटिंग लिस्ट होता है उसमें आपको टिकट मिलना शुरू हो जाती है और इस कोटे की भी जो सीट्स होती हैं वेटिंग लिस्ट में तत्काल की, उसके भी कन्फर्म होने के जो चांस होते हैं वो लगभग लगभग ना के बराबर होते हैं। लास्ट में एक बात आप सभी को हमेशा याद रखनी है कि ऑनलाइन टिकट की बुकिंग में किसी भी प्रकार की अगर वेटिंग टिकट आपके पास में है और चार्ट बनने तक वो टिकट आपकी कंफर्म नहीं हुई है, ऐसे में आपका वो जो टिकट है वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा और उस टिकट से आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। जिस भी मोड से आपने अपना वो टिकट बुक किया था, आपका वो पैसा आपके उसी अकाउंट में वापस 2 से 3 दिन में या 4 दिन में रिफ़ंड आ जाएगा। अब अगर सेम टिकट आपने रेलवे काउंटर यानी कि PRS काउंटर से लिया है और चार्ट बनने तक आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, तब भी आप ऐसी स्थिति में उस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन टिकट से संबंधित किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए, आपको समस्या है, तो आप मुझे कमेंट में जाकर के बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।